लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट वर्किंग फास्ट विथ दीज फाइव फॉर्मूलाज बाय द ऑथर गैब्रिली बर्नस्टीन या गैबी बर्नस्टीन, और उनकी बुक का नाम है यूनिवर्स हैज़ योर बैक। बहुत सारे लोगों ने इस बुक के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। जब मैंने उनकी ऑडियो बुक सुनी तो मुझे लगा कि उसमें से कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर सकते हैं, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को बहुत क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी आपको ला सकते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में बहुत जल्दी से काम करता है। एक्चुअली ये वैसे ही अट्रैक्ट करता है कि आप इस जर्नी में खुद क्या बन जाते हैं, उस जर्नी को कैसे हम इंजॉय करते हुए अपनी मैनिफेस्टेशन या अपनी मनचाही लाइफ को जी सकते हैं, और वो सारी चीज़ों को अपनी जो जितनी भी डिज़ायर, चाहे मनी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जो भी चाहते हो आप, वो सब आपकी लाइफ में आ सकता है। ये फाइव फॉर्मूलेज जो मुझे उनकी बुक में जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि समरी तो बहुत सारे लोग बताते हैं, बट ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ें लगी जो मैं पाँच आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसमें जो पहली चीज़ है जो उन्होंने बताई है, या पहला सीक्रेट या फॉर्मूला, ये सब आपको याद रखना है। तो जो सबसे पहला है वो है मीनिंगफुल लाइफ रिक्वायर्स स्ट्रगल। ये नेगेटिव बिलीव है, इसको ख़त्म कर दो आज ही। आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत अच्छे से काम करे, तो ये नेगेटिव बिलीव है। हमको लगता है कि मीनिंगफुल लाइफ या जो बहुत सक्सेसफुल बनता है उसके पीछे सिर्फ रोने गाने वाली ही कहानी रहती है, या स्ट्रगल किया उसने, पहले ऐसा किया वैसा किया फिर वो सक्सेसफुल व्यक्ति बना। ज़्यादातर ये ट्रेडिशनल वे में जो सक्सेस हासिल करते हैं उनकी कहानियाँ रहती हैं, पर आप देखिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं या जेन्युइनली जो अननोइंगली भी काम कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल बहुत कम रहता है और वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। एक्चुअली ये पूरा बिलीव पे ही काम करता है। अगर आप बोलोगे आई कैन डू दिस तो यस यू कैन डू दिस, अगर आप बोलोगे आई कांट डू दिस तो ये भी सही है कि यस यू कांट डू दिस। ये सारा हमारा बिलीव पे काम करता है। तो जो ट्रेडिशनल बिलीव बना हुआ है कि एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, ये नेगेटिव बिलीव इसको आप खत्म कर दो आज से ही। मीनिंगफुल लाइफ इज मोर इजी टू अट्रैक्ट विद द गाइडेंस ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ रहता है। यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। हमें ये चीज़ें कोई बताता नहीं, और एक्चुअली हमें विश्वास भी नहीं होता, बट ये मैंने खुद आजमाया। अभी इसका जब थर्ड या फोर्थ फॉर्मूला मैं बताऊंगी तो मैं उसके साथ अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, ताकि आपको विश्वास हो जाएगा कि यस यूनिवर्स हैज़ योर बैक, मतलब यूनिवर्स हमेशा आपके साथ खड़ा है। जो हमारा वोर्टेक्स है या हमारी जो आत्मा है वो पूरे टाइम हमारे लिए काम करती है। अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं वी आर बॉर्न विथ गाइडेंस, इनर गाइडेंस सिस्टम, बट हम उसको आउटर नॉइज में भूल चुके रहते हैं। जब हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड में या इस एनवायरमेंट में जब शांति रहेगी तभी तो हम अपनी इनर वॉइस को सुन पाएंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ पूजा पाठ करते रहते हैं दिन भर, बहुत सारे सीरियल्स, स्पिरिचुअल सीरियल्स देखते रहते हैं, उसके बावजूद भी जब मैं उनसे पूछती हूँ आप इतना मानते हो भगवान को, दिन रात उनकी पूजा करते हो, पर आपकी लाइफ जैसी आप चाहते थे वैसी आपके भगवान ने क्यों नहीं की, या की है क्या आप बताओ? तो वापस वो फिर गाने लगते हैं मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया, मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, तो क्यों काम नहीं करता? क्योंकि जो ईश्वर है वो कहीं बाहर नहीं है, या कोई जो प्रवचन दे रहा है उसकी बातों में नहीं है, वो तो रास्ता है। एक्चुअली जो असली ईश्वर है ना वो आपके अंदर है, आपकी इनर वॉइस, आपका सबकॉन्शियस माइंड। पर जब आप कॉन्शियस माइंड शांत रखोगे तब तो वो आत्मा की आवाज़ आप सुन पाओगे। तो यही एक चीज है, और इसका भी जो लास्ट फॉर्मूला है वो भी मैं बताऊंगी, वो बिल्कुल इसी एग्जांपल से रिलेट करता है। तो आप आउटर वर्ल्ड में उस चीज को ढूंढने की बजाय खुद की आत्मा की आवाज सुनिए, वो आपको गाइडेंस करेगा। तो आपको जब उससे गाइडेंस मिलने लगेगा तो आपकी लाइफ प्रॉपर चलने लगेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए काम करने लगेगा। क्योंकि अगर कोई डिज़ायर आपके दिमाग में आ रही है तो आपके वोर्टेक्स में है, वो ऑलरेडी डन हो चुकी है। और हम राइट्स रखते हैं, वी आर बॉर्न रिच, वी आर बॉर्न सक्सेसफुल। हम यहाँ इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए, वो तो हमको पता नहीं रहता है कि वो सब पावर को हम कैसे जगाएं।
एक डर रहता है हमारे अंदर हर चीज का, फेल होने का, स्ट्रगल होने का, स्ट्रगल करने का, ये सारी चीजें ट्रेडिशनल वे में रहती है। ये सब हमको हमारे इनर पावर को ऊपर आने से रोकती हैं, और जिस दिन ये डर खत्म हो जाता है उस दिन आपका इनर पावर आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप हर काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो पहला लेसन जो है वो यही है, इस बिलीफ को खत्म करो कि जो मीनिंगफुल लाइफ है वो स्ट्रगल वाली नहीं है, इट्स वेरी इजी, और आपकी सोच ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। यही गैबी का जो पहला लेसन है, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक का, जो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना। दूसरा लेसन है जो उन्होंने उस समय बताया था जब उन्होंने कोई साइन को पढ़ने शुरू किए, मीन्स यूनिवर्स गाइड्स यू, आपको क्या करना है, आपको वो साइन को पहचानना है, देखना है। साइन मतलब जैसे कि हम कई बार इवन नंबर्स देखते हैं, जैसे 1 1 देखते हैं, 2 2 देखते हैं, 7 7 देखते हैं, कई बार 4 टाइम्स देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अलाइनमेंट में हैं, मीन्स हम जो सोच रहे हैं या हमारी जो डिज़ायर है या हम जो काम कर रहे हैं हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो यूनिवर्स इस इक्वल नंबर से या इस फ्रीक्वेंसी से हमको ये दिखाता है कि आप काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप गलत नहीं हो। और अगर वो गलत चीज़ भी कहीं दिखा रहा है, मान लो आपने, उन्होंने एक स्टोरी भी बताई कि मैं एक प्रोग्राम के लिए जा रही थी और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा आई नीड टू सी आउल, मतलब मैं उल्लू देखना चाहती हूँ। तो यकीन मानिए उस दिन दूसरे दिन उनको कितनी जगह सिर्फ उल्लू ही दिखे, किसी ने उनको उल्लू की पेंटिंग भी गिफ्ट की। तो वो एक एग्जाम्पल बताया उन्होंने उस बुक में। और हम कई बार नंबर्स भी देखते हैं, या आप कोई साइन डिसाइड कर लो कि आज मैं मान लो रेड रोज देखूंगा, तो आप देखिए उस दिन कई बार आपको रेड रोज दिखेंगे। इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप जो करना चाहते हो सही रास्ते पे जा रहे हो, करिए। और अगर वो नहीं दिखा रहा है, कुछ और उल्टा दिखा रहा है, तो वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि वो बता रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सकता है सही नहीं हो, आप चेंज कर सकते हो, मतलब आपके साथ वो हमेशा है और काम कर रहा है। तो दूसरा लेसन यही है कि हमेशा जो साइन है उस पर भरोसा कीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अच्छा कर रहे हो, मतलब सुपरस्टिशन भी क्रिएट नहीं करता है करना है, अंधविश्वास जो बोलते हैं ना वो भी क्रिएट नहीं करना है। आपको खुद अपनी बुद्धि भी लगाना है कि अगर ये गलत हो रहा है तो भी हमें उस सिचुएशन को कैसे चेंज करना है अपने फेवर में, ये भी आना चाहिए। क्योंकि आंख बंद करके किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग की, अपने आत्मा की आवाज़ भी सुनना चाहिए। और तीसरा जो फॉर्मूला है, योर एनर्जी इज मोर पावरफुल देन योर वर्ड, ये जब वो स्पीच देती थी तो कई बार वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से अपने मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश करती थी। उन्होंने एक बार मेडिटेशन में अपने आप को देखा, पहले उन्होंने मेडिटेशन किया, अपने आप को पीसफुल कंडीशन में लेके आई, और फिर उन्होंने देखा कि उनके शोल्डर पर आसपास बहुत सारे एंजल्स हैं जो पीस को फैला रहे हैं, और उनकी उनका जो मैसेज है उसको फैला रहे हैं। दे ऑल आर फीलिंग ओ मच हैप्पीनेस, लविंग एनर्जी को फील कर रहे हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने ये मेडिटेशन में इमेजिन किया, और फिर उन्होंने स्टेज पे जाके, जबकि सारी ऑडियंस ना एग्जॉस्टेड हो चुकी थी क्योंकि बहुत सारे लेक्चर एक के बाद एक थे, फिर लास्ट में उनका था, पर उन्होंने फिर भी जब जाके अपनी प्रेजेंस, अपनी एनर्जी के थ्रू जब उनसे कम्युनिकेट करना शुरू किया, तो वो लेक्चर आउटस्टैंडिंग था। और लास्ट में किसी एक लेडी ने उनके पास आके बोला कि मुझे जब आप स्पीच दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आपके कंधे से, आपके बैग से पूरा एंजल्स निकल के आ रही हैं, और वो एंजल्स हमको एक पीसफुल हैप्पीनेस की फीलिंग दे रही हैं। तो देखिए सेम चीज वही होती है, ये मैंने खुद भी आजमाया है कि मैं जो सोच रही होती हूँ, मैं बोल रही होती हूँ, कई बार बच्चे सेम वही बात बोल देते हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है कि आपकी जो एनर्जी है इट्स मोर पावरफुल देन योर वर्ड। और आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरी इस एनर्जी को भी आप फील कर पा रहे होंगे। यस माई डियर फ्रेंड, वर्ड्स आर नॉट दैट मच पावरफुल, आपकी एनर्जी ज्यादा पावरफुल है। तो अपनी एनर्जी को प्योर पॉजिटिव बनाइए, सबको फॉरगिव कीजिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, यू आर सो गुड। किसी की चीज, किसी भी चीज से आपको किसी की नेगेटिविटी से इफेक्टेड होने की जरूरत नहीं है, यू आर सो पावरफुल, सो प्योर। और नेक्स्ट जो लेसन है उनका है, जो फोर्थ लेसन है, लर्न टू सरेंडर। जब हाँ, इसके पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आपको जो एनर्जी है ना वो हैप्पीनेस की एनर्जी रखना है, क्योंकि हैप्पीनेस की एनर्जी इज द फाउंडेशन ऑफ
फाउंडेशन फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हम खुश रहते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आती है। उन्होंने एक फॉर्मूला ये भी बोला है, बी चिल, किसी भी चीज के लिए चिल होना चाहिए। मान लो हम मैनिफेस्टेशन में या हमारी डिजायर में हम बहुत ऑब्सेस हैं कि ये चाहिए, ये हो नहीं रहा है, तो आप उसको एक दिन शांति से बैठिए और उसको लेट गो कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, ये नहीं है तो भी मेरी लाइफ तो अच्छी चल ही रही है। उसको फील करना शुरू कीजिए। उसको जिस दिन आपने फॉरगिव कर दिया, गिव अप कर दिया और उसको आपने छोड़ दिया, मींस अब आप उससे अटैच नहीं हो, लेट गो कर दिया, तो आप उसी समय से वो देखिए, जिस दिन आप उसको भूल जाओगे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। और जो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ फोर्थ है, वो है लर्न टू सरेंडर। ये सेम वही चीज़ है कि आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे। कई बार हम उसी चीज़ से अटैच रहते हैं, मैनिफेस्टेशन जल्दी नहीं होते, और जिस दिन आप गिव अप कर दोगे उस दिन वो आपके पास आ जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। और लास्ट है फाइंड इनर पीस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप ये केओटिक दुनिया में यहाँ की स्ट्रेस एंजाइटी से जूझते रहोगे वही अट्रैक्ट होते रहेगा। यस माय डियर फ्रेंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप क्या 15 मिनट का टाइम अपने लिए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। आप कोशिश करिए, वो 15 मिनट आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट होंगे आपकी लाइफ को बदलने के लिए। जब वो 15 मिनट में आप मेडिटेशन करोगे, प्रेयर करोगे, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली आप कैसी लाइफ चाहते हो। अगर आपने उसको 5-10 मिनट इमेजिन भी कर लिया ना तो आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। यस माय डियर फ्रेंड, मेडिटेशन एंड प्रेयर इज द बेस्ट वे। एक ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन भी मैंने इसमें अभी 2-3 दिन पहले ही रिलीज किया है, आप उसको सुनिए। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे होते हैं, बट वो हमें फेक टाइप का लगता है। तो असली चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। जो आपको अभी रियलिटी फील हो रही है तो कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट नहीं आती है। फ्रीक्वेंसी सबकी एक जैसी रहती है। सेल्फ लव की हो गई, थैंक यू की हो गई, ये सारी हाई फ्रीक्वेंसी वाली है, और इसकी इक्विवेलेंट चीज़ें आपकी डिज़ायर वाली फ्रीक्वेंसी की रहती है, तो आपकी लाइफ में वो आना ही आना है। तो ये द यूनिवर्स हैज़ योर बैक बुक के जो 5 लेसन्स मुझे समझ में आए कि नहीं, ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आपकी जर्नी को हैप्पी बना सकते हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बूस्ट योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, और बहुत जल्दी फास्ट मैनिफेस्टेशन होगा। और साथ में आप प्रोसेस को इंजॉय करना मत भूलिए, क्योंकि जर्नी जो है वो ही डेस्टिनेशन है। जब आप ऐसा करने लगोगे तो डेस्टिनेशन ऑलरेडी आपके पास है। इकार्ट टोले ने भी यही चीज़ बोली है कि व्हेन यू नो हु यू आर, ऑल डिजायर्स आर कंप्लीटेड। फिर आपको किसी चीज़ की इच्छा रही नहीं जाती, यू आर कंप्लीट। यस माय डियर फ्रेंड, तो खुश रहना शुरू कीजिए। इस फॉर्मूले से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल